चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के युवा सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ टक्कर ले लिया है। सभी भोजपुरी इंडस्ट्री वाले हैरान हैं कि अब क्या होने वाला है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, पर सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू ने खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ रियल लाइफ में नहीं बल्कि भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर टक्कर लिया है। जहां सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 11 अगस्त से बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा, तो वहीं खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा भी पूरे भारत के साथ साथ पूरे बिहार और झारखंड में रिलीज हो रही है। वैसे तो सिनेमा जगत में दोनों स्टार अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा चर्चा में बने ही रहते हैं, लेकिन इस बार दोनों की टक्कर 11 अगस्त को सीधे भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर होने जा रही है। दोनों सुपरस्टार अभी से ही अपने अपने तरीके से फिल्म के प्रमोशन में जोर शोर से जुट चुके हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में अरविंद अकेला कल्लू के अपोजिट प्रियंका पंडित नजर आएगी, तो वहीं अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा में हीरोइन भूमि नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर बनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अक्षय कुमार को खुले में शौच के खिलाफ योगी सरकार की योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में देशभक्ति की अलग पहचान देखने को मिलेगी। इस फिल्म के डायरेक्टर फिरोज खान ने एक बेहतरीन कहानी को फिल्म के माध्यम से दर्शाने की बहुत अच्छी कोशिश की है।